Next question. Question says: uh, Electric potential V at any point x, comma y, Z in uh, all in meters. इन स्पेस इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर वोल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वन कामा जीरो कामा टू इन वोल्ट पर मीटर विल बी और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि एट अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन सिक्सटीन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स या फिर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पे हमें रिलेशन पता होना चाहिए हमें ये बात पता है कि ई e को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस टाइम्स डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी डिवाइड डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाय डेल जेड के कैप तो ये आप रिलेशन लिखते हैं इसको बोलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन सो जो भी आपका फंक्शन है पोटेंशियल uh, uh, का उसको आप एक्स uh, का वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करें आई कैप लगा दें वाई का वेरिएबल मान के डिफ्रेंशिएट करें जे कैप लगा दें एंड सोन एंड सो सपोर्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी नाउ यहाँ पे अपने को पोटेंशियल दिया हुआ है कि वी इज इक्वल टू पोटेंशियल दिया हुआ है वी इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर ये अपना है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो होगी माइनस फोर इंटू टू एक्स आई कैप यानी कि एट ये आ गई माइनस एट एक्स आई कैप अब हमें बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड वन कामा जीरो कामा टू पे सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन कामा जीरो कामा टू पे अच्छा वाई कंपोनेंट और ये जेड का जे और के कंपोनेंट आपके जीरो हो जाएंगे बिकॉज आपका ये सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है कि इसमें जब हम x की वैल्यू वन y की वैल्यू जीरो z की वैल्यू जीरो z की वैल्यू टू रखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस एट आई कैप सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए एट अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वुड बी द राइट आंसर